हे गाइस, वेलकम टू पलक की दुनिया। तो आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो कि आपको ये पैकेट देख के ही पता चल गया होगा। आपको ये गुलाब जामुन मिक्स आता है इंस्टेंट, ये आपको है ना मार्केट से लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप पहले ये ले लेना है। तो गाइस, जो पाउडर था ना वो हमने है ना इसके अंदर निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो। गाइस, जो ये पाउडर है ना, ये है 2 कप, तो इसमें है ना 1/4 पानी, 1/4 इसका जो भी हिस्सा है ना वो पानी का डालना है। तो ये 2 कप था, तो हम इसमें से आधा कप इसमें पानी डाल रहे हैं। अब इसको जो हमने जो पानी डाला था ना, उसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। आपको बहुत देर तक घुमाना है, तभी ये मिक्स होगा। तो है ना, अभी हमने इसको है ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो आपको है ना इसको आटे की तरह गूंदने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, अब हमारा जो भी हमने इसको मिक्स किया था, ये अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमें घी डाल लेना है, एक मतलब घी को गर्म कर लेना है अच्छे से। तो उसको फिर है ना हाथों पे लगाना है, फिर उसको हाथों पे लगाना है, ऐसे हाथों पे लगा लेना है, और फिर उसकी छोटी छोटी ये लेके गोलियां बनानी है। देखो, तो हमारी अभी गोला एकदम अच्छा आकार आ चुका है गुलाब जामुन का। तो आपको सारे ऐसे ही बनाने हैं गाइज। तो जब तक हमारी गोलियां बनती है गुलाब जामुन बनाने की, इतने हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमें एक कोई भी बाउल ले लेना है, उसमें हमें डालना है मतलब जितनी भी हम चीनी डाल रहे हैं, मैं तो आधा मग चीनी डाल रही हूँ, तो आप लोग कितने चाशनी बनाना चाहते हो देख लेना। तो उसमें उतनी चीनी डालनी है। तो गाइज, आप लोगों को है ना 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम चीनी ले लेना आप, और उसमें उतना ही पानी डाल देना जितनी आपने चीनी डालनी है। तो हम उतना ही पानी डाल रहे हैं। तो अभी हमें है ना गैस स्टार्ट कर देनी है, और फिर उसको है ना 5 मिनट तक गैस पे रखे रखना है। आसानी से फिर हमारी चीनी घुल जाएगी, और वो भी एकदम हाई फ्लेम, हाई रखना आप अपना गैस का फ्लेम। तो गाइस, हमारे सारे गुलाब जामुन बनाने की गोलियां भी बन चुकी है। तो गाइस, हमारी चाशनी होती है, इतने हमने लिया है, एक पैन लिया है, उस पैन में हमने तेल डाला हुआ है। तो वो तेल को आपको है ना मीडियम ही गर्म करना है, ज्यादा गर्म मत करना। तो जो हमारी चाशनी थी वो अच्छे से अब उबल चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी है ना हमारा जो तेल है वो मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब उसमें डालेंगे हम गोलियां। तो गाइस, अब उन जो गोलियां थी ना उनको ऐसे घुमा लेना है। तो गाइस, हमारे जो वो थे गुलाब जामुन थे, उनका कलर आ चुका है, गोल्डन गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो अभी हमारे सारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। तो अभी जो हमारी चाशनी थी, हम उसके अंदर जो हमने ये गुलाब जामुन थे इनको डुबोएंगे। तो अभी इनको भिगो के रख देना है, हमें 30 मिनट के लिए रख देना है इन्हें। सो गाइस, हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी हो चुके हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। अभी आप हम इनको एकदम दिखा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन है हमारे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में पक्का बताना, और आपको कोई नई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी पक्का बताना कमेंट्स बॉक्स में। और इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।